हे स्टूडेंट्स वेलकम बैक ऑन जी नॉलेज तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास टेन साइंस का एक और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस तो क्या होते हैं लाइफ प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस जो हम अपनी लाइफ में करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए एक बैलेंस बनाने के लिए सो ऑल द प्रोसेसेस दैट आर वाइटल फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ ऑर्गेनिजम हैव टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन कौन-कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं हम न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन और इन्हीं सारी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस तो कितने तरीके के लाइफ प्रोसेसेस हुए देर आर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमारे ब्रेन से नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है मेटाबॉलिज्म खाने से एनर्जी लेना सर्कुलेशन न्यूट्रिशन तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं जो हमारी लाइफ के लिए हमारे लिए वाइटल होते हैं जरूरी होते हैं नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में so, सो क्या होता है न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन तो हमने आज तक यही सुना है कि जो हम खाना खाते हैं वहां से हमें न्यूट्रिशन मिलता है तो यस yes, होता तो वही है सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी फूड को खाना और उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना उसी को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं अब बट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो टू तो क्या करते हैं वेरी यानी कि कोई खाना कैसे खाती है, उसका खाना खाने का मोड क्या है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है सो देर आर टू इंपोर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से ऑजोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अब ऑजोट्रॉफिक क्या होता है और हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक ऑटोमीन्स अपने आप ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप बना लेते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं ऑडोट्रॉफिक बोलते हैं प्लांट एंड सम बैक्टीरिया तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं सो फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल कौन कौन से सिंपल जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंपल मटेरियल का यूज करके कुछ ऑर्गेनिज्म अपने लिए खुद खाना प्रिपेयर करते हैं सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं और कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं अब ये खाना तो खुद बनाते हैं यूज भी सिंपल पार्टिकल्स का करते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वाटर हो गया तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस तो क्या होती है फोटोसिंथेसिस हमारे पास इट इज द प्रोसेस ऑटोट्रॉफ टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्रॉम आउटसाइड तो जो ऑटोट्रॉप होते हैं वो बाहर से क्या लेते हैं एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वॉटर लेते हैं एंड कन्वर्ट दम इंटू कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट करते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट में कौन सी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल्बोहाइड्रेट आईज प्रोवाइड एनर्जी टू प्लांट और यही कार्बोहाइड्रेट जो वो बनाते हैं प्लांट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स और इसी एनर्जी को वो फर्दर यूज के लिए स्टोर कर लेते हैं किस फॉर्म में स्टोर करते हैं उसको स्टार्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं ये आपको याद रखना है विच इज बी रिक्वाड वेन यूज देन That occur during photosynthesis. Now, photosynthesis के पे कौन कौन से होते हैं फोटोसिथेसिस के लिए क्या जरूरी है प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो जरूरी ही है साथ के साथ उनकी जो लीवस होती है उनके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल जरूरी है क्लोरोफिल के साथ उन्हें सनलाइट बहुत जरूरी है तो ये प्लांट की लीव का स्ट्रक्चर है पहले हम वही देख लेते हैं तो ये लीफ का एक सेक्शन है इसको यहाँ से काटा गया और सिर्फ इतने से पार्ट को आपको शो किया गया है यहाँ पर कैसे कैसे होता है अब जो आउटर लेयर होती है प्लांट की उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस तो ये आप पर एपिडर्मिस है और उसके ऊपर क्यूटिकल की एक वेक्सी कवरिंग होती है एपिडर्मिस के नीचे क्या पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है ये ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पाया जाता है उसके बाद कुछ एयर स्पेसेस होते हैं लीफ के अंदर और कुछ मीजोफिल सेल्स होते हैं और यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस और हमेशा ही लीफ की जो लोअर एपिडर्मिस होती है इसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ पोर्स छोटे छोटे पोर्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं तो ये लीफ का एक सेक्शन है अब पढ़ते हैं क्लोरो हमें कैसे हेल्प करता है और फोटोसिंथेसिस कैसे होती है यहाँ पर क्या है कौन कौन से इवेंट होते हैं सबसे पहले एब्सॉर्बन ऑफ लाइट एनर्जी वाई क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्यों जरूरी है क्योंकि खाना बनाने के लिए क्या चाहिए उनको कुछ तो चाहिए ना जैसे हमें सिलेंडर या फिर ईंधन की जरूरत होती है फ्यूल की जरूरत होती है वैसे ही प्लांट को भी तो सनलाइट चाहिए लेकिन वो सनलाइट ऐसे ही नहीं आती है सनलाइट को लेके आना पड़ता है कौन ऑब्जॉर्व करता है उसे क्लोरोफिल ऑब्जॉर्व करता है सेकेंड स्टेप क्या है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी अब वो लाइट एनर्जी आ तो गई अब उसको किस में कन्वर्ट करता है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उस टाइम पे होता क्या है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और रूट्स के थ्रू प्लांट्स क्या रहते हैं वाटर लेते हैं और किस किसमें टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज में तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है किसके यूज करता है वाटर के यूज करता है क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या बनता है ग्लूकोज ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ठीक देन मॉलिक्यूल बनते हैं ऑक्सीजन के और छ किसके बनते हैं वाटर के तभी हम कहते हैं कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि इसी प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन क्या होती है रिलीज होती है नेक्स्ट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट्स की जो लीफ होती है उसके लोअर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं कुछ छोटे चुड़ छोटे पोर्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं स्टोमेटा तो पहले उनका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं स्टोमेटा क्या होता है छोटे से टिनी पोर्स होते हैं और उनके आसपास जो ये सेल होते हैं किडनी शेप ये बीन शेप सेल इन्हें हम क्या बोलते हैं गार्ड सेल तो ये स्टोमेटा को गार्ड करते हैं इस पोर को ये स्टोमेटल पोर है इन गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है तो इस प्रकार ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं अब स्टोमेटा का, का काम क्या है क्यों जरूरी है ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्यों होती है उसके बारे में पढ़ते हैं फर्स्ट इस स्टोमेटा होते क्या है तो ये टिनी पोर्स है कहाँ प्रेजेंट होते, है? होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स के लोअर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं 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 स्टोमेटा हेल्प हेल्प में करते ये हेल्प करते ये एक्सचेंज सी ओ टू प्लांट को चाहिए अपना खाना बनाने के लिए तो सीओ टू लेते हैं और जो ऑक्सीजन बाद में रिलीज होती है उसको छोड़ते हैं तो उन गैसेस का एक्सचेंज करते हैं और साथ साथ एक और फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं वो फंक्शन कौन सा है मैम तो उस फंक्शन का नाम है ट्रांसफीरेशन अब ये ट्रांसपीरेशन क्या होता है जैसे मान लो प्लांट में हमने बहुत ज़्यादा पानी दिया प्लांट को और प्लांट ने जितना यूज़ करना था अपने फूड है. तो बोलते हैं ट्रांसपीरेशन बोलते हैं लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वॉटर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन ठीक तो ये दो फंक्शन जो होते हैं वो स्टोमेटा हमारा परफॉर्म करता है नेक्स्ट इज लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर इज लॉस स्टोमेटा अब हमें तो पता ही वो होता रहता है अब ज्यादा भी लॉस ना हो जाए इसीलिए जब प्लांट को नीड नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड की तो वो अपने स्टोमेटा को क्या कर लेता है क्लोज कर लेता है ठीक तो इसे हम बोलते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अब यह ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती किस लिए है कैसे होती है मतलब किस लिए होती है वो तो हमने पढ़ लिया होती है कैसे है वो पढ़ते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जो गार्ड सेल्स होते हैं ये वाले साइड वाले वाटर है इनके अंदर एंटर करता है तो ये क्या हो जाते हैं स्वेल हो जाते हैं और स्वेल होने से ये स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो जाता है और क्लोजिंग कैसे होती है अब जैसे ही वो वाटर यहाँ से लीव किया तो ये वापस से क्या हो गए श्रिंक हो गए और जैसे श्रिंक हुए तो वो क्लोज हो गए तो ऐसे ऑर्गेनिज्मिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किनके ऊपर डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं यानी कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं

कुछ एंजाइम्स डाल देते हैं और फिर उनसे ही अपना फूड जो है वो लेते हैं यानी कि उनको आउटसाइड द बॉडी ही वो फूड का ब्रेक डाउन कर लेते हैं उसके बाद उसको ग्रहण करते हैं उनको बोलते हैं सेप्टोफिटिक बैक्टीरिया है फंगी है उसके बाद पैरासिटिक पैरासिटिक क्या होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रहकर उससे न्यूट्रिशन लेते हैं इससे वो अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं नुकसान पहुंचाते हैं तो इनके एग्जाम्पल है लीचिस कस्कुटा एंड टेप

असली सच सच तो कोई limbs नहीं होते लेकिन टेम्परेरी होते हैं टेम्प्रेरी -like होती है इसके अंदर इसके सेल्स द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग इस तरीके से ये अमीबा है ये सिंगल सेल है ये फूड पार्टिकल है ये फिंगर लाइक -like कुछ प्रोजेक्शन है जो फूड के ऊपर ऐसे कवर करके क्या बना लेती है फूड बना लेती हैं इन साइड द फूड प्लेस एंड

सोडो मतलब फॉल्स पोडिया पोडियम फीट यानी कि ट्रू फीट तो नहीं होते लेकिन इनके फॉल्स फीट होते हैं क्लियर तो ये थे आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा वाला टॉपिक नेक्स्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत इजी है बनाने में भी इजी है समझने में और लिखने में भी इजी है ठीक तो क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने बारे में पढ़ना है तो अपनी बॉडी को थोड़ा तो इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट लेके ही पढ़ना पड़ता है ना तो चलो पढ़ते हैं ह्यूमन में क्या होता है एक एलिमेंट्री केनाल यानी कि एक पाइप होती है जो चलती है माउथ से लेके एनस तक तो ह्यूमन एलिट्री के पाइप तो है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं तो फर्स्ट पार्ट है इसका माउथ माउथ के बाद एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऑइसो देन स्टमक आता है उसके बाद इंटेस्टाइन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन देन रेक्टम देन एनस इस प्रकार का हमारा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम तो यहाँ पर क्या है माउथ जिसके थ्रू हम फूड लेते हैं उसके बाद माउथ के अंदर ही कुछ ग्लैंड होते हैं सैलिरी ग्लैंड अब ग्लैंड क्या होती है बेसिकली ग्लैंड कुछ ऐसे माउथ अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जिनसे क्या है कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो हमें वेरियस फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं यहाँ पर जो हम ग्लैंड्स uh, पढ़ेंगे उनमें से जो केमिकल निकलेंगे वो हमें डाइजेशन में हेल्प करेंगे फूड की डाइजेशन में सो so, पहला था हमारे पास माउथ माउथ के बाद ये जो माउथ है वो किसमें ओपन होता है ऑइसोफेगस। तो ये लंबी सी आप पाइप देख रहे हो इसे हम क्या बोलते हैं ईसोफेगस या फिर ऑइसोफेगस बोलते हैं ठीक और यहाँ पर एपिग्लॉटिस होता है एपिग्लॉटिस जो क्या करता है जैसे हमारी एक कौन सी पाइप होती है सांस लेने वाली एक फूड पाइप होती है तो सांस लेने वाली पाइप को कवर कर लेता है एपिग्लॉटिस उसके बाद ये जो ईसोफेगस है ये कहाँ ओपन होती है जे शेप स्ट्रक्चर जिसे हम स्टमक बोलते हैं स्टमक में ओपन होती है स्टमक जो है वो बाद में कहाँ ओपन होता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक सबसे बड़ा जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो होता है ये बहुत कॉइल्ड होती है हाईली कॉइल्ड यहाँ पर तो फिर भी कॉइलिंग कम है इससे भी ज्यादा कॉइल्ड यहाँ पर होती है ये अराउंड सेवन पॉइंट फाइव मीटर लंबी एक पाइप होती है और जितनी भी फूड की डाइजेशन है ना मेनली सारी यहीं पर कंप्लीट होती है मेन काम स्मॉल इंटेस्टाइन करती है उसके बाद जो भी फूड बच जाता है यानी कि जो जरूरी चीजें होती हैं वो तो यहाँ से ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं और जो बच जाता है अनडाइजेस्टिड मटेरियल वो जाता है आगे लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन से फिर जाते जाते रेक्टम में और उसके बाद लास्ट एनस से बॉडी बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है और ये है हमारा लिवर लिवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं ग्लैंड क्यों क्योंकि ये करता है बाइल जूस उसका क्या काम होता है वो हम आगे पढ़ेंगे तो लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है ये बाइल जूस सिक्रिएट करता है इसका जो सिक्रेट किया हुआ जूस है वो एक बार के लिए कहाँ स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर और जब भी नीड होती है तो वो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पास कर दिया जाता है और ये है पेनक्रियास देख रहे हो गोल ब्लेडर की ओपनिंग की ओपनिंग सबकी ओपनिंग कहा हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या है ये भी एक ग्लैंड है इससे भी कुछ ना कुछ एंजाइम सिक्रिएट किए जाते हैं जो अब फर्दर हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं तो आई होप कि आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब इनके बारे में हम कुछ डिटेल में बढ़ते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ माउथ क्या है फूड इज इन थ्रू द माउथ फूड हम कहा से लेते हैं माउथ से लेते हैं टीथ प्रेजेंट इन द माउथ हेल्प इन क्रशिंग ऑफ द फूड और जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो फूड को क्रश करने में help हैं। saliva, हमारे माउथ में एक फ्लूड होता है जिसे हम सेलाइवा बोलते हैं उसी सेलाइवा के अंदर क्या होते हैं एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है सेलाइवा के अंदर सेलेवरी अमाइलेज इस एंजाइम का नाम आपको याद रखना है तो ये सेलेवरी अमाइलेज सेलेवरी ग्लैंड सिक्रेट करते हैं माउथ के अंदर

भेजती है These movements are called movements और में होने वाली इनी movements को हम क्या बोलते है? movements बोलते हैं? हैं। उसके बाद फूड पाइप से फूड कहा जाता है स्टमक के अंदर स्टमक क्या होता है स्टमक शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर तो ये कैसा है जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ठीक तो स्टमक में क्या है गेस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं गेस्ट्रिक ग्लैंड जिनसे क्या सिक्रेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक की वॉल के अंदर ही ये ग्लैंड होते हैं वो एच सी एल सीक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने एसिड और बेस चैप्टर में पढ़ा है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो ये काम क्या करता है यहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं फूड के अंदर उनको किल करने का काम करता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सा एंजाइम से करते हैं पेप्सिन से करते हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है

नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन अब सबसे मेन पार्ट ये है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक इसके बारे में डिटेल में हैं तो होती क्या है ये ये फर्स्टली हमने आपको पहले ही बताया है कि लॉन्गेस्ट पार्ट होती है सबसे लंबा और हाईली कॉइल्ड और सबसे ज्यादा कॉइल्ड पार्ट है बहुत ही मुड़ी मुड़ी सी प्रेजेंट होती है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी साइट है कंप्लीट डाइजेशन की तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो पेन होती है पेनक्रियाज की जो भी एंजाइम है, है, है? है. है, है, है जो भी केमिकल है उनको अपना काम करने के लिए उनको डाइजेशन करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए बेसिक मीडियम चाहिए लेकिन स्टमक में तो आपको पता है कि एसिड होता है तो एसिडिक फूड आता है वहां से तो जो लीवर का काम करता है हुआ। Then, जूस का एक और काम होता है वो क्या काम होता है इट हेल्प इन डाउन ऑफ फैट्स ये फैट्स की डाउन में भी हेल्प करता है पेनक्रेटिक जूस में दो एंजाइम्स होते हैं कौन कौन से ट्रिप्सिन

उसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो क्या से करते हैं इंटेस्टाइनल जूस से करते हैं वो उसमें भी एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन so जो फूड होता है वो कहा कौन ऑब्जॉर्ब कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन की कर लेती है फॉर एग्जाम्पल ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ठीक इसके अंदर क्या है इसकी जो इनर लाइनिंग है उसके ऊपर कुछ फिंगर लाइक -like ऐसे ऐसे विलई प्रेजेंट होते हैं ठीक इन विलई के अंदर बहुत सारी क्या होती है ब्लड वेसल्स होती हैं तो ये जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको एबजॉर्ब कर लेती है उसको एब्जॉर्ब करके ये कहाँ पहुंचाती है ब्लड के अंदर पहुंचाती है सो इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई तो इनको विलाई बोलती है विलाई का फंक्शन क्या होता है किस लिए होता है ये विलाई तो इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एबजॉर्प्शन कहीं तो एब्जॉर्प्शन सिर्फ यहीं से होनी थी कहीं अगर यहाँ पर विलाई आ गई तो एब्जॉर्प्शन हर जगह से यहाँ से यहाँ से यहाँ से तो हर जगह से एब्जॉर्ब हो रही है तो ये इंक्रीज कर देती है किसको सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है ठीक नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है swirls, में तो कौन सा मटेरियल जाता है अनएब्जॉर्ब मटेरियल अब जो बच गया है अनडाइजेस्टेड मटेरियल वो जाता है

सिंपलर पार्टिकल में तोड़ा जाता है डाइजेशन में और वो सिंपलर पार्टिकल होता है कौन सा है तो वो होता है ग्लूकोज ठीक और यही ग्लूकोज जो है जिसे विलाई एब्जॉर्ब करते हैं उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं हर एक सेल तक ऑर्गन्स में जाता है फिर टिश्यूज में जाता है टिश्यू के बाद सेल में जाता है वाया ब्लड इन सेल्स दिस ग्लूकोज इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और सेल्स में इसी ग्लूकोज को हम यूज करते हैं एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए क्या सिर्फ ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है नहीं सिर्फ ग्लूकोज हमें कभी एनर्जी नहीं दे सकती ग्लूकोज को भी कुछ चाहिए जिसके साथ ये रिएक्शन करे फिर जाके हमें एनर्जी मिलती है तो वो क्या वो है रेस्पिरेशन अब रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन अब क्या क्या होता है क्या सिर्फ है सिर्फ सांस लेना जी नहीं सिर्फ सांस लेने को हम रेस्पिरेशन नहीं बोलते उसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं सो so, रेस्पिरेशन क्या है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज तो रेस्पिरेशन में दो चीजें कंबाइन होती हैं सेल्स के अंदर एक तो ऑक्सीजन जो हम सांस लेते टाइम इनहेल करते हैं दूसरा ग्लूकोज जो हमारी विलाई ने अब्सॉर्ब की थी डाइजेशन के थ्रू फूड से ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द दा डाइजेशन ऑफ फूड सॉरी ग्लूकोज कम्स फ्रॉम द दा डाइजेशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द ब्रीथिंग ठीक ग्लूकोज जो आती है वो डाइजेशन ऑफ फूड से आती है ऑक्सीजन कहाँ से आती है ब्रीथिंग से आती है इन सेल्स ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज कंबाइन सेल के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन कंबाइन करती है ग्लूकोज के साथ तो हमें क्या मिलता है एनर्जी मिलती है एनर्जी के साथ साथ दो चीजें और भी होती हैं एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है साथ में वाटर है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो हम हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना तो वो यही कार्बन डाइऑक्साइड होती है ठीक तो क्या होता है ऑक्सीजन कंबाइन करती है ग्लूकोज के साथ और हमें क्या मिलती है एनर्जी मिलती है क्लियर अब एक एक्टिविटी भी दी हुई है आपकी एनसीईआरटी में कौन सी एक्टिविटी की है? हमारी जो इन एक्सहेल हम करते हैं उसमें CO2 होती है उसे हम कैसे पता लगा सकते हैं तो आपको लाइम वाटर लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर आपको अपनी जो सांस है वो पाइप के थ्रू छोड़नी है तो वो लाइम वाटर मिल्क हो जाएगा तो वो मिल्किनेस ही प्रूफ करती है कि हमारी जो एक्सहेल एयर होती है उसके अंदर क्या होती है CO2 प्रेजेंट होती है ठीक तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो प्लीज प्लीज़ प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो